नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं पहले की तरह फिर लेके आया हूँ एक नई जॉब की इन्फॉर्मेशन जो कि है बैंक नोट प्रेस की तरफ से, जिसमें कि पूरे भारत में से आप कहीं से भी हैं तो आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और सीखिए सही तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि जारी करी गई है बैंक नोट प्रेस देवास की तरफ से, जिसमें कि प्रत्येक भारतीय जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको उनकी रिक्वायरमेंट को जो है वो पूरा करना है। ऑनलाइन मोड से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने ही वाला हूँ, तो बने रही वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अलग अलग वैकेंसीज हैं और अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये आपको जो है वो खुद भी थोड़ा बहुत रीड करना पड़ेगा। फिलहाल जो मेन मेन चीज़ है वो मैं बता दूंगा आपको। उससे पहले दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। साथ ही लिंक दे दूंगा दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का, जहां पे जाके आप इसके लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नजर डाल लेते हैं सबसे पहली पोस्ट की तरफ। सबसे पहली दोस्तों जो पोस्ट है वो है सेफ्टी ऑफिसर की, S2 लेवल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे सिर्फ इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक है, लेकिन अगर आप बाकी की तरफ नजर डालेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिख जाएंगी। किसी के लिए 30 है, 18 है, 5 है, 3 है, तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। आप इनके लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सैलरी काफी ज्यादा है। अगर आप पे स्केल की बात करें तो अलग अलग पे स्केल आपको मिलेंगे, 29,000 से लेके 1,00,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप इनके लिए जो वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर वाली पोस्ट के लिए 30 ईयर मैक्सिमम एज जो है वो मांगी गई है, यानी कि आपकी एज 18 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो है वो रिलैक्सेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि आपको जो है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलती है। बाकी दोस्तों ये कैटेगरी वाइज जो है वो जॉब्स बंटी हुई हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कास्ट के लिए अलग, ST के लिए अलग, SC के लिए अलग, तो ये जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं तो अभी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन जो है वो क्या क्या चाहिए, अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे कि वेलफेयर ऑफिसर की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल साइंस में, अगर है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो जॉब है सुपरवाइजर की प्रिंटिंग एंड प्लेट मेकिंग में, तो इसके लिए दोस्तों आपके पास BE और BTech जो है वो होनी चाहिए, यानी कि BE और या BTech में से एक भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, और इसका आपको पता चल ही गया होगा कि BTech होनी चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉनिक और या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर IT, BTech होनी चाहिए, BE IT में होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी दोस्तों ऐसे ही जो है वो मांगी गई हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों और नीचे आ जाते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पे जो है और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट डेट जो है यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने की डेट जो है 13/10/2018 को इसकी एप्लीकेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। अप्लाई कर सकते हैं आप 9/11/2018 तक, यानी कि 9 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों एज जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी, 18 साल आपकी एज कम से कम जो है होनी चाहिए और 30 साल तक होनी चाहिए, जो ऊपर उन्होंने कैटेगरी वाइज बताया हुआ है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC को, 3 साल का मिलेगा दोस्तों OBC को, 10 साल का मिलेगा फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन को। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाते हैं तो एग्जामिनेशन फीस दोस्तों अगर आप जो हैं SC ST PWD से नहीं है तो आपको 400 रुपये पे करने हैं, लेकिन अगर आप SC हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको किसी भी तरह की फीस जो है वो नहीं देनी है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस जॉब के बारे में, जो कि आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी जिसमें वो नहीं बता रहे हैं, ये दोस्तों जॉब होगी पहले प्रोबेशन पीरियड के, यानी कि 1 साल के लिए आपका काम काज उन्होंने देखा जाएगा। 1 साल तक अगर आप उनको लगेगा कि आप काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वो आपको जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अगर उनको लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे हैं यानी कि आपकी जॉब जो है वो 1 साल तक परमानेंट नहीं होगी, 1 साल तक आप वो आपको काम करते हुए देखेंगे, उसके बाद अगर उनको लगेगा कि ये अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो आपकी जो है वो जॉब जो है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों नेम ऑफ द टेस्ट जिसके आपके जो है वो टेस्ट होंगे, ये सेक्शंस बने हुए हैं, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन, और ये रहे मार्क्स। 120 मिनट का जो है वो क्वेश्चन होगा, 240 मार्क्स का जो है आपका जो है वो पेपर लिया जाएगा। तो ये दोस्तों डिटेल रही
आपकी जो है वो सिलेबस की। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने बस यही बताया कि अप्लाई जो है वो कैसे करना है, वो अभी आपको जो है वो बता देता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि ऑनलाइन अप्लाई जो है आपको कहाँ से करना है और कैसे करना है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जो है वो आना होगा। ये लिंक मैं आपको ठीक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ये देखिए 9/11/2018 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऊपर दिख रहा है आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है। और ये वेबसाइट दोस्तों मोबाइल में जो है वो नहीं रन करती है, तो आप हो सके तो जो है वो पीसी से ही जो है वो ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और ये दोस्तों आपको फॉर्म जो है वो दिखने लग जाएगा। ये सेक्शंस बने हुए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको फिल करनी पड़ेंगी, और फिल करके जैसे ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे ये वाले सेक्शन में फोटो एंड सिग्नेचर में। ऐसे करते करते दोस्तों आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस लेके मैं आता ही रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।